नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी मीन्स क्या होता है? शाब्दिक समानता या समरूपता या सदृश्यता। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एनालॉजी का पहला लेक्चर तो इससे पहले वाले वीडियो में है, सेकंड लेक्चर ये है। ठीक है, देखो भाई, कुछ इसमें बेसिक पार्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं कि इस पैटर्न पे पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, जैसे है भाई वर्कर है, और वर्कर कौन से टूल यूज करते हैं? जैसे डॉक्टर है तो ये क्या यूज करता? आला यूज करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप कहते हैं इसको। ठीक है, अब जैसे टीचर है वो क्या यूज करता है? टीचर चौक यूज करता है। जैसे ये रहा चौक, है ना, ये चौक यूज करता है टीचर। नेक्स्ट वाला फिगर बना दिया ताकि आपको समझ में आए। टेलर है, दर्जी क्या यूज करता है? नीडल्स यूज करता है। नीडल्स मशीन में लगा हुआ है, ये नीडल्स है, सुई है। ठीक है, वैसे नॉर्मल भी यूज करता है और मशीन में भी लगा के यूज करता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से समझ में आ रहा है। वाजो भाई, बार्बर मतलब नाई क्या यूज करता है? कैची यूज कर सकता है। ट्रिमर भी है यहाँ पे दे रखा है, कैची। तो सीजर मतलब क्या है? कैंची। ठीक है, अब देखो भाई, लेबर क्या करता है? स्पेड कर देता है। तो ये देखो, ये लेबर है यहाँ पे, मोदी जी भाई स्वच्छता अभियान के लिए कर रहे हैं, तो मोदी जी नहीं है यहाँ पे लेबर, ये सब है। तो ये स्पेड के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है, ये पिक्चर स्पेड के लिए लगाया है। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही है? लेबर मजदूर, और किससे काम करते हैं? स्पेड, फावड़े से। ठीक है, गार्डनर के लिए क्या है? हैरो यूज होते हैं, हैरो। वैसे हैरो मीन्स खुरपी भी होता है, और गार्डनर जो ये गार्डन से गार्डनर की इमेज, इसमें क्या करते हैं? छोटे मोटे काटते पीटते हैं, स्पेड हैरो लगाते हैं। ठीक है, स्पेड का भी यूज करते हैं लेकिन ज्यादातर हैरोज का यूज करते हैं। हैरो ये खेतों में भी यूज होता है, खेत में। ठीक है, और ये बेसिकली इसमें भी यूज होता है पार्क वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े भाई आगे। देखो भाई, सेफ क्या क्या यूज करता है? सेफ बावर्ची क्या यूज करता है? चाकू यूज करता है, चाकू। बावर्ची क्या यूज करता है? चाकू। नाइफ क्या यूज करता है? चाकू यूज करता है। ठीक है, अभी देखो ये भी तो चाकू है, लेकिन ये वर्चर क्या है? कसाई क्या यूज कर सकता है? चॉपर कहते हैं इसको। चॉपर मतलब जो बकरा या मीट वगैरह काटते हैं, मांस को काटने वाले चक्कू होता है, धारदार। इसको बहुत धार तेज होती है, इसकी धार जो होती है बहुत तेज होती है, मीट काटने वाला। ठीक है, और इसका क्या होता है? कसाई किसका यूज करता है? चॉपर का यूज करता है। ठीक है, अब देखो भाई, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे हम क्या मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे यंत्र हैं जिनका हम किस चीज का मापन में यूज कर सकते हैं। यंत्र कौन से यंत्र हैं? यंत्र और किसका यूज हो रहा है? मापन के लिए। अब देखो भाई, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर किसके लिए? टेम्परेचर के लिए, तापमान के लिए। देखो ये डिजिटल है, वैसे तो पारा इसमें होता है, यहाँ पे इसमें क्या होता है? पारा पाया जाता है। ठीक है, पारा एक तरल धातु होती है। आगे भाई, विंड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर, इसको क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, हाइग्रो मतलब ह्यूमिडिटी को, सांद्रता को। ठीक है ना, सांद्रता को मापने के लिए ये है। देख लो भाई, ये कैसा होता है? ये है उसका क्या है? गैजेट ये है। यंत्र क्या है? ये मापने वाला यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़े भाई, सिस्मोग्राफ भाई बहुत ज्यादा सुना होगा सिस्मोग्राफ के बारे में आप सब।
सिस्मोग्राफ होता क्या है? सिस्मोग्राफ एक जनरली ग्राफ होता है और इस मशीन पे लगा होता है, जैसे ये डॉटेड ऐसे चल रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइक दिस, ये है सिस्मोग्राफ। यहाँ पे पेन लगा हुआ होता है और ये किसको मेजर करता है? अर्थक्विक को। किसको? भूकंप को, ठीक है ना, भूकंप को। और वो कौन से ग्राफ के बारे में बात हो रही? यही ग्राफ है, ये रहा ग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक है, भूकंप को मापने के लिए। आ जाए भाई आगे, बोरोमीटर। बोरोमीटर किसको नापता है? प्रेशर को नापता है, ठीक है ना। बोरोमीटर ऐसा होता है और इसका डिजिटल वॉक ऐसा होता है और इस हिसाब से, ठीक है, ये प्रेशर को मापता है, दाब को मापता है, दाब, ठीक है, बोरोमीटर। आजो भाई, टेस्टीमीटर क्या है? टेस्टीमीटर एक ये है, देखो इस टाइप की मशीन होती है, इसके अंदर का पार्ट ये है और चीजें यहाँ पे देखो, इसके पूरा इस हिसाब से बना रखा है, स्ट्रेन स्ट्रेन ये है और टेस्टीमीटर ये, ठीक। आगे बढ़े भाई, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? सबने देखा होगा, बाइक में लगे हुए होते हैं, कार में लगे हुए होते हैं, जो स्पीड बताता है। ओडोमीटर क्या है? गति बताता है। क्या बताता है? गति। हम कहते हैं ना भाई, 90 की स्पीड में भगाएंगे, 50 की स्पीड में भगाएंगे, कोई 200 की स्पीड में भगा देता है, कोई KTM टीम लिया होता है तो भाई नाम ले रहा हूँ, वो दो दो ढाई ढाई सौ आया भूसा, ये सारी चीजें। बाइक मतलब कुछ भी है, आप स्पीड में, ये आपको गति बताती है, चलने की गति, ठीक है। अब तो डिजिटलाइज मीटर है ना, तो पहले क्या था? ये था, कांटे वाला था, है ना, अभी भी कांटे वाला भी है, कहीं कहीं ऐसे भी है, दोनों चलता है डिजिटल वाले में, ठीक है। आगे बढ़े भाई, सिस्मोनोमीटर ये होता है, क्या होता है? ब्लड प्रेशर को, बीपी नापते हैं। देखो ये जो गोल का है, गोल गोल है, इसको दबाते हैं भाई डॉक्टर और यहाँ पे ये बांध देते हैं, टाइट बांधते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को माप लेते हैं, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ये डिजिटल फॉर्म में प्रिंट कर देता है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, ठीक है। आगे देखा भाई, देखो भाई कुछ मैंने पिक्चर यूज करे हैं जिसमें समझ में आता है, जिसमें नॉर्मल सी चीजें हैं उसको समझ लेंगे। देखो इंडिविजुअल है कोई व्यक्तिगत, और क्लास, वो कौन से क्लास से, कौन से वर्ग से बिलोंग करता है। देखो मैन है, मैमल्स, मैन मैमल्स मतलब आदमी है, स्तनधारियों में आता है। आदमी किस में आता है? आदमी जो है, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहीं पे हिंदी लिखूंगा, आदमी है स्तनधारियों में आता है। कौन सी क्लास हुई इसकी? स्तनधारियों की क्लास हुई, आदमी की, मनुष्य की, मानव, मानव भी लिख सकते हैं, मैन मानव, आदमी, ठीक है। आगे बढ़े भाई, जैसे रैट है, रोडेंट में आता है, और उस ये क्या है, ऑस्ट्रिच है, वर्ड में आता है ऑस्ट्रिच, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच किस में आता है? वर्ड्स में आता है, वर्ड में। और फिर उसके बाद क्या आता है? बटरफ्लाई किस में आता है? इंटरसेक्ट में। स्नेक क्या आता है? रेप्टाइल में आता है, रेप्टाइल। और फिर उसके बाद वेल भी क्या आता है? स्तनधारियों में आता है, वेल, वेल, वेल मछली जो है, वे एक ऐसी मछली है जो स्तनधारी होती है। क्या होती है? स्तनधारी, ठीक है, क्या होती है? स्तनधारी होती है, ठीक है। आगे बढ़े भाई दोस्त, अब देखो कुछ ऐसे है, फोबिया। फोबिया किससे डरते हैं हम? फियर ऑफ, तो भाई हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। किससे डर होना चाहिए? पानी से डरते हैं, जल से, जो पानी से डरते हैं भाई, पानी में कूदने से डरते हैं बहुत सारे, या पानी से डरते हैं, नहाने से डरते हैं, तो वो हाइड्रोफोबिया होते हैं, ठीक है। एरोफोबिया जो हवा से डरते हैं, हवा से, हवा से डरने वाले। फिर उसके बाद आ जाओ हाइट से, ऊंचाई से डरने वाले, ऊंचाई से डरने वाले, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डरने वाले को क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया। देन लाइट से, प्रकाश, प्रकाश से डरने वाले क्या होते हैं? फोटोफोबिया। फोटो मतलब जो फोटो खींचते हैं ना, वो वाले फोटो जो कह देते हैं फोटो, ये लाइट से यूज होता है, उसमें लाइट होता है ना, जब कभी कभी हम फोटो खींचते हैं ना,
क्लिक करता है, चक सी आती है, आंखें जब जाती हैं तो वो प्रकाश, वही वाले प्रकाश की बात हो रही है। ऐसे इसका मतलब क्या होता है, फोटो मतलब होता है प्रकाश, चमक, ठीक है, चमक से जोड़ रखते हैं। आगे आ जाओ भाई, क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया क्या होता है, कलर, कलर से होता है, ठीक है, रंगों से, रंग से, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया किसे, कुत्तों से डरते हैं, जो कुत्तों से साइनोफोबिया होते हैं, साइनोफोबिया, ठीक है। अब घोष्ट से भूत, भूत से, भूत पिचास से, हनुमान जी की आरती गाओ, भूत पिचास से नहीं डरोगे। क्या है फ्लैस्मो, फ्लैस्मो मतलब भी क्या होता है, जो मर गया है आत्मा, भूत, भूत कह सकते हो, प्रेत कह सकते हो, भूत प्रेत, ठीक है ना, जो भूतों से डरते हैं, फोबिया। गायमोफोबिया, गायमो मतलब शादी करना, शादी होता है, और मैरिज, जो शादी से डरते हैं, जो मैरिज से डरते हैं, ठीक है भाई, शादी करने से डरते हैं। फोबोफोबिया, जो हमेशा ही डरते रहते हैं, डर होता है किसी चीज को लेके, उनको कहते हैं फोमोफोबिया। आगे आ जाओ भाई, जो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है, और उनका क्या समूह होता है, व्यक्तिगत आदमियों का क्या समूह होता है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल समूह, ग्रुप, आदमियों के समूह को क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, क्राउड कहते हैं, ठीक है। कैटल के समूह को क्या कहते हैं, हर्ड, हर्डल, हर्ड, ठीक है। कैटल के, कैटल मतलब क्या है, मवेशी, मवेशी, जानवरों के, ठीक है। सीप, सीप मतलब जहाज, पानी वाला जहाज, जहाज, जहाजों के समूह को क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। और फिश को सोल कहते हैं, फिशों का समूह क्या होता है, सोल कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ भी, बीज मधुमक्खियों, मक्खियों के स्वर्ण कहते हैं, फ्लावर को बुके कहते हैं, बुके, सिंगर को क्या कहते हैं, चियर, चियर कहते हैं, चरस भी कहते हैं। देखो भाई ये क्या है, ये किसका समूह है, ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, और इसका क्या होता है, समूह है, गिरोह है, होड, होड, और ये नो, नोड्स, नोड्स क्या होते हैं, नोड्स खाना बदोश, जो एक जगह रुकते नहीं है, ठीक है ना, घूमते रहते हैं, घूमने वाले के बंजारे जैसे होते हैं, ठीक है, बंजारे, झुंड, इसको, इसका मीनिंग है ये, हिंदी में मैंने लिख दिया, दल, भीड़, समुदाय, फिरने वाले लोग, और ये तो ये फिरने वाले लोग हैं एक जगह से, जैसे आक्रमण पहले करने आते थे तो वो भी एक जगह नहीं रुकते थे ना, तो उनका गिरोह था, जहां जहां गिरोह होता था वहीं वहीं चले जाते थे, ठीक है, वहीं वहीं क्या कर देते थे, चले जाते थे। एक मिनट, बैटरी डिस्चार्ज है, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, ठीक है भाई। तो ये गिरोह है, देखो दोस्त, समझ में आ गया आप सबको इस बारे में, आगे बढ़े भाई दोस्त। अब देखो भाई, कुछ ऐसे स्टडी हैं जो हम साइंटिस्ट वगैरह या कोई डॉक्टर्स वगैरह रिसर्च करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो वो किसके टॉपिक हैं, जैसे वायरोलॉजी किसके है, वायरस के लिए, विषाणु के लिए, विषाणुओं का जहां पे स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या होते हैं, हिस्टोलॉजी टिश्यूज को, टिश्यूज मतलब क्या होता है, ऊतक, ऊतक, ऊतकों का जहां पे स्टडी होता है, ऊतकों का जहां पे स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। इससे संबंधित रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, ये एक तरीके से जीएस का पोर्शन है, किसका पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है। एक्स, एक्स के बारे में जो भी हमें रिसर्च होती है वो कहां पे होती है, ओलोलॉजी, ओलोजी,
ठीक है, ये पेडलोजी वैसे बच्चों के बारे में होता है, इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चिल्ड्रन, लेकिन सॉइल के बारे में कर रहे हैं तो अभी एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक नेक्स्ट वाले पे देखिए भाई। पैथोलॉजी डिजीजेस के लिए होता है, पैथोलॉजी किसके लिए होता है, डिजीजेस के लिए होता है, देन बीमारियों के लिए, पैथोलॉजी बीमारियों के लिए होता है, वर्ड्स के लिए क्या होता है, एक मिनट में वो पुराने वाले क्वेश्चन को देख लेता हूँ, इसमें मिसप्रिंट टाइप हो गया था, ठीक है। हाँ ठीक है, पेडोलॉजी सॉइल के लिए भी यूज होता है, किसके लिए भी यूज होता है, सॉइल के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और अच्छा वो आई एम सॉरी, पेडागोजी, अगर गोजी होता है, जी वाई जी होता है पेडागोजी, तो उसके लिए ठीक है, वो तो टीचिंग का पार्ट हो जाते हैं, उसको हटाओ, ये सॉइल के बारे में, ठीक है दोस्त, पेडागोजी। डिजीज बीमारी, बीमारी के बारे में जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, पैथोलॉजी। और इसके बाद में आ जाओ भाई वर्ड के, पक्षी के बारे में, पक्षी और पंछियों के बारे में हम करते हैं ओर्निथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट घोंसला, घोंसला घोंसले की जहां भी स्टडी होती है उसको नीडोलॉजी कहते हैं। फंजाई, फंजाई फंगस, ठीक है ना, फफुंद, वो किसके लिए यूज होता है, माइकोलॉजी, ठीक है। माउंटेन्स पहाड़ी के चोटी के बारे में होता है, तो वो कौन सा होता है, ओरोग्राफी, ओरोग्राफी कहते हैं उसको, ओरोग्राफी। लैंग्वेज के बारे में सिमेंटिक्स, लैंग्वेज भाषा के बारे में सिमेंटिक्स डिपार्टमेंट भी होते हैं, ठीक है, भाषाओं के बारे में जहां पे स्टडी होती है, ठीक है। हार्ट, हार्ट की कार्डियोलॉजी, और हार्ट में जो मसल्स होती है उसको क्या कहते हैं, कार्डिक मसल कहते हैं, ठीक है ना, हार्ट हृदय, हृदय उसके बारे में स्टडी करते हैं। आ जाओ भाई कैंसर की स्टडी, कर्क रोग के बारे में जो रिसर्च करते हैं उसके स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। आ जाओ भाई इंसेक्ट, इंसेक्ट्स की जहाँ पे स्टडी करते हैं क्या है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है, कीट बारे में। ब्लड, अच्छा एक बात बताओ ब्लड में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन, हीमोटोलॉजी, हीमोटोलॉजी हीमोग्लोबिन, हीमोटोलॉजी ब्लड के बारे में। रक्त, रक्त के बारे में जो भी स्टडी होती है। आगे आ जाओ भाई स्टडी टॉपिक पे भाई, कुछ टॉपिक्स हैं स्टडी कर रहे हैं, इस पे रिसर्च कर रहे हैं, साइंस है, विज्ञान है, ठीक है। भविष्य की जानकारी करने वाले को क्या कहते हैं, ज्योतिष, भविष्य की जो जानकारी करते हैं, तो फ्यूचर की जानकारी कौन करता है, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। स्कल की जानकारी क्या करते हैं, क्रैनोलॉजी, क्रैनोलॉजी स्कल कंकाल के बारे में, ठीक है। सीप के बारे में जानकारी कौन करता है, कॉन्कोलॉजी। फिश के बारे में ये है, अगले वाले में आ जाओ भाई। राइटिंग के बारे में कौन सा करता है, पैलोग्राफी, ग्राफी जहाँ पे आ जाए मैं बता देता हूँ, रूट वर्ड है ये, रूट वर्ड है ग्राफी, जहाँ पे आ जाए तो लिखने से संबंधित है, किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित, लिखने से संबंधित है। ठीक है नेक्स्ट वाले पाजो भाई, किडनी, किडनी के बारे में क्या है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। मैनकाइंड के बारे में क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ये रूट वर्ड के क्वेश्चन है, ये
मतलब इंग्लिश में भी आते हैं, इंग्लिश इंग्लिश के क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन में से पूछने जाने वाले है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इंग्लिश जो है कंपटीशन एग्जाम के, एसएससी या अदर, एसएससी या अदर स्टेट एग्जाम वाले ये पूछते ही हैं मैनकाइंड की स्टडी के लिए, ठीक है। यूनिवर्स के लिए कॉस्मोलॉजी है, ब्रह्मांड के, ठीक है ना, ब्रह्मांड की स्टडी करने के लिए कॉस्मोलॉजी होता है, और ब्रेन के लिए न्यूरोलॉजी, ठीक है, नर्वस सिस्टम के लिए भी, पॉपुलेशन के लिए क्या होता है डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, ठीक है भाई। प्लांट के लिए, प्लांट के लिए क्या है बोटनी, प्लांट के लिए क्या है बोटनी, पौधों के लिए प्लांट्स, पौधों के लिए बोटनी, एक सब्जेक्ट है साइंस का पार्ट है। तो जितने लॉजी और ये टनी है बोटनी है, ये सारे स्टडी के लिए एक एक डिपार्टमेंट है, आगे जाके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये। आज भाई स्नेक के लिए, ठीक है, ये है। आगे अर्थक्वेक के लिए सिस्मोलॉजी आपको पता ही है। अभी एंटोनियम सिनोनिम्स बाय डेथ ट्रैप स्कैरसिटी, ये सिनोनिम्स हैं ये सारी चीज़ें, इसको एक बार वीडियो पोज करके इसको पढ़ लो, ये इंग्लिश का ही पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट है, बट रीजनिंग में इसका यूज़ होता है कहीं ना कहीं, क्वेश्चन में प्रश्न में आ जाएगा तो बाद में इंग्लिश, इसीलिए एक जगह तैयार करो, अगर इंग्लिश तैयार कर लेते हो तो यहाँ कहीं ना कहीं, और इंग्लिश प्लस जीएस जनरल स्टडी, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकते हो इस टॉपिक में, ठीक है। एंटोनियम्स, अब एंटो है, सिनोनियम्स है, ये एंटोनियम्स है, ठीक है, वेस्ट वेस्ट बढ़िया और इसका खराब वैसे सारे यहाँ तक, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, अब देखो भाई वर्कर है और उनके वर्किंग प्लेसेस के बारे में बता रहे हैं, उनके वर्क कार्य स्थान, कार्य स्थान के बारे में, कार्य स्थान के बारे में बताया जा रहा है, और ये है कर्मचारी है या मजदूर भी, कर्मचारी कहेंगे। देखो डॉक्टर किस में काम, कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है। इंजीनियर कहाँ काम करता है, साइट पे काम करता है। देखो ये साइट बने हुए, ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये देखो यहाँ पे। और पायलट कहाँ है, कॉकपिट में काम करता है। कॉकपिट क्या होता है, ये जो कैबिन्स होता है ना जहाँ पे पायलट बैठे होते हैं, दो तीन पायलट बैठे होते हैं जहाज के सामने, मिरर के सामने बैठे होते हैं, उसको, उस कैबिन को क्या कहते हैं, कॉकपिट कहते हैं। अब देखो एक्टर कहाँ काम करते हैं, स्टेज पे काम करते हैं। एक्टर कहाँ पे काम करते हैं, स्टेज पे काम करते हैं। आर्टिस्ट किस में, थिएटर में काम करते हैं, थिएटर में, ठीक है, थिएटर पर्दे गिरने वाले, ठीक है। अजो भाई जहाँ पे पर्दे गिरते हैं ना, और फिर उसके बाद दूसरे एक्टर आ जाते हैं उसमें, एक पर्दा आगे पीछे ऐसे करते हैं तो ये पता चल जाता है। अब देखो भाई गैम्बलर, गैम्बलर जुगाड़ी, वो किस, उनका वर्किंग स्थान क्या है कैसीनो है, ठीक है ना, गैम्बलर पत्ते खेलने वाले। और इसका क्या है भाई, सेफ भाई किचन में काम करते हैं, किचन में देखो आहा खाने की चीजें लेके बैठे हैं। आगे आ जाओ भाई, इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा खुश है। अंपायर भाई पिच पे काम करते हैं, अंपायर किस पे काम करते हैं, पिच पे, ठीक है ना, बहुत खुश लग रहे हैं ये दोनों। यहाँ पे तो डिबेट हो रही है, यहाँ पे अकेला ये भाई काम नहीं करने देंगे, ऐसे इशारे कर रहे हैं। देखो अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं भाई, कुछ प्रश्न कर लेते हैं इस बेसिस पे। देखो भाई कंडला गुजरात और कोचिन, तो कंडला जो गुजरात में एक जगह है बंदरगाह, उसका बंदरगाह का क्या नाम है, कंडला नाम है, ठीक है ना, सी पोर्ट, सी पोर्ट का नाम है, सी पोर्ट, ठीक है। तो कोचिंग किसका है, किसका है, बी वाले का आंसर है। क्या है उसका नाम, केरल है, क्या है, केरल। कोचिंग किस में है, केरल में, ठीक है। टाइपिस्ट टाइप राइटर, टाइपिस्ट का यूज हो रहा है, टाइप राइटर मतलब क्या चीज यूज करता है, तो राइटर क्या यूज करता है, बुक यूज करता है, नहीं बुक तो यूज राइटिंग का काम है, पेपर यूज कर सकता है, पेपर यूज कर सकता है कुछ हद तक, स्क्रिप्ट ये भी नहीं क्योंकि पेपर पे लिखेगा, इसका काम वाली चीज पूछ रहा है। पेन
भाई ये सबसे ज्यादा, सबसे पहले पेन होगा तभी तो कहीं ना कहीं लिखेगा, पेपर बेशक से ना हो वो हाथ पे भी लिख सकता है। तो उसका प्राइमरी वर्क क्या हुआ, पेन हुआ, कलम हुआ, कलम है, ठीक है, पेन आ गया। जो भी फोरकास्ट, फोरकास्ट फ्यूचर, फ्यूचर में किसको फोरकास्ट किया जाता है, फोरकास्ट फ्यूचर की हैपनिंग होती है। रिग्रेट किस में होती है, पास्ट में होती है, पास्ट में भूतकाल में जो भी घटित हुआ है, जो अप्रिय घटित हुआ है उसकी वजह से हमें क्या पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, ठीक है ना। कैटल, कैटल क्या फीड करते हैं, क्या खाते हैं, ये खाते हैं। फिश क्या खाते हैं, फिश प्लैंकटन, प्लैंकटन, प्लैंकटन खाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कहाँ पे रहते हैं, बोट में रहते हैं नाविक, और ये किस में है, हाउस में, ठीक है, मेंशन हाउस में रहते हैं। अब आ जाओ भाई लक्षद्वीप, कावारती, लक्षद्वीप क्या है, कावारती है, ठीक है ना, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, क्या है, राजधानी है, राजधानी क्या है, कावारती। अंडमान निकोबार का क्या, प्लोट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाएं भाई, ब्रीज, ब्रीज क्या है, साइक्लोन। तो अब इसमें क्या है, ड्रिजल, ड्रिजल का क्या होगा, डाउनपोर, डाउनपोर होगा, ठीक है ना, इसी के फॉर्म की बात हो रही है, ब्रिजल इसके फॉर्म की बात हो रही है, कहां से फॉर्म होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन। सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यूज बनता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यूज बनता है। आइटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आइटम से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़े दोस्त, ड्रिल बोर, ड्रिल बोर, सीरियल का क्या होगा, शिफ्ट होगा, सीरियल का क्या होगा, शिफ्ट होगा। अच्छा एक बात बताओ, टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट, टेनिस कोर्ट पे, तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है, बॉक्सिंग रिंग में, बॉक्सिंग कहाँ है, रिंग के लिए, बॉक्सिंग क्या है, रिंग के लिए। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ये एसएससी में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, कहीं हल्के में लेते हो इनको, ठीक है भाई। इम्पॉसिबल टू रिलेट टू ऑफिशियल, तो सेम वे किससे, इम्पॉसिबल किससे, ऑफिशियल से, तो थ्योरिकल किससे, प्रैक्टिकल से, ठीक है ना, ठीक है भाई। ड्रामा इज रिलेटेड टू सीन, ड्रामा, ड्रामा भाई बड़ा है, उसमें छोटे छोटे टेक लगते हैं भाई, मान लो ड्रामा पूरा कंप्लीट हुआ तो 10 सीन्स बनी होंगी उसमें, 10, यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, 5 सीन मान लो बनी होंगी। तो बुक किससे बने होते हैं, बुक्स किससे बने होते हैं, चैप्टर्स से बने होते हैं, स्टोरी उतना नहीं है कि भाई एक ही स्टोरी में बन सकता है, पेजेस से नहीं, पेजेस से बना होता है बुक, लेकिन हमें क्या है, मोस्ट परफेक्ट डालना है, फर्स्ट प्राइमरी यही इसका काम है, चैप्टर है, पेजेस तो कितने भी लग जाएंगे, ठीक है ना। आगे आ जाओ भाई, अगर चैप्टर नहीं होता तो पेजेस आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई, 13 वाले में, स्टारवेशन, स्टारवेशन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन की कमी से क्या होता है, स्टारवेशन होता है, ठीक है। सेम वे एग्जॉशन किसकी कमी से होता है, एनर्जी की कमी से होता है, ऊर्जा की कमी से होता है, ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा इसकी कमी से होता है। क्लू इज रिलेटेड टू मिस्ट्री, क्लू मतलब हमें क्लू मिल जाता है ना, एक तरीके से हिंट, क्लू मीन्स हिंट, अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्य, ठीक है। क्लू के द्वारा रहस्य को जाना जाता है, तो वार्निंग के द्वारा क्या समझा जाता है, डेंजर को समझा जाता है, ठीक है। रिस्क उतना नहीं है, रिस्क, प्रिकॉशन, प्रिकॉशन भी वो क्योर, अगर वो क्योर होता तब ये इसे डिजास्टर भी, डेंजर,
डिजास्टर, डेंजर के अंदर डिजास्टर आ जाता है, ये डेंजर के अंदर तीनों चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है भाई, आ जाए भाई नेक्स्ट वाले में। ये है सबसे लास्ट, सबसे बेहतरीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें फ्रांस दे रखा है, रोम दे रखा है, केन्या दे रखा है, टोक्यो दे रखा है। तो भाई फ्रांस है, फ्रांस जो है और ये नॉर्वे है, स्पेन है, पोलैंड है, ये किसके हैं? यूरोपियन कंट्री हैं। किसके हैं? यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है ना, ठीक है भाई, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है भाई, आज वर्ड एनालॉजी शाब्दिक समानताएं कंप्लीट हो गई होंगी। तो अब कल हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, इसी के नए पार्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच, हैव यू नाइस डे। देखो भाई, धन्यवाद, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें, बहुत मेहनत लगी है भाई। ठीक है।